नमस्कार किसान भाइयों, आज रविवार के दिन हम बैज जी के साथ जड़ी बूटी की तलाश में हम काफ़ी घंटों की तलाश के बाद हम यहाँ ऊंची पहाड़ी पर पहुँचे हैं। इस ऊंची पहाड़ी पर हमें मंदिर के पास एक जड़ी बूटी मिली है जिसके बारे में हमें बैज जी बताएंगे। हम चलते हैं अभी बैज जी के पास। बहुत ही दुर्लभ नज़ारा है, दूर दूर तक आबादी नहीं है, पूरा जंगल ही जंगल है। और इस ऊंची पहाड़ी पे हमें एक मंदिर मिला और उस मंदिर के पास हमें ये जड़ी बूटी मिली है जिसके बारे में अब बैज जी बताएंगे आपको। हम चलते हैं बैज जी के पास अब। नमस्कार बैज जी। नमस्कार। तो ये जड़ी बूटी कौन सी है, ये क्या नाम है इसका? नमस्कार किसान भाइयों, आज आपके पशुओं की एक बहुत ही बड़ी बीमारी की मैं आपको घरेलू इलाज बताने जा रहा हूँ। आप इस जड़ी बूटी को, इस घास को अच्छे से देख लो, ये हमारे जंगलों में हता मात्रा में पाई जाती है। आप गौर से इसको देख लो। अब मैं आपको इस जड़ी बूटी की पहचान के बारे में बताऊंगा। इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं। इसकी विशेषता क्या है, हमारे जो पशु बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, आज हमारे पशुओं में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटर की समस्या के लिए ये 101% कारगर इलाज है। आपको करना क्या है, आपके आसपास खेतों में या किसी पहाड़ी एरिया में आपको ये घास फूस मिल जाएगी, आप इसको उठा के लाओ और इसको हल्का सा ग्राइंड करके और अपने पशु के चारे में वैसे ही मिला दो। ये आपको देनी कब है, ये आपको देनी है जब आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाए, उसके बाद देनी है, और आपको कंटिन्यू ये 4 से 5 दिन खिलानी है। लेकिन एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, आज और कह रहा है कि पशुओं की बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो रहा है, या तो किसी पशु की बच्चेदानी में सोजिश आ जाता है, कोई और इन्फेक्शन हो जाता है, किसी की बच्चेदानी छोटी हो जाती है, उन सब के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें साबुत हल्दी लेनी है। 250 ग्राम की मात्रा में हम साबुत हल्दी ले लेंगे और उसको पीस के रख लेंगे। हमें करना क्या है कि 20 ग्राम हल्दी हम अपने पशु को रोज खिलाएंगे किसी भी रूप में। सबसे अच्छा रूप तो ये है कि हम 100 ग्राम देसी घी का हलवा बनाएं और उसमें 20 ग्राम हल्दी मिला के और रात को अपने पशु को खिलाएं। 5 दिन तो कंटिन्यू खिलाना है, उसके बाद फिर 2-2 दिन का गैप करके आपको वो हल्दी हो देनी है। हल्दी देने से क्या होगा कि आपके पशु के अंदर का जो इन्फेक्शन है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इन्फेक्शन खत्म होने के बाद आप उसको प्रेग्नेंट करवाइए। प्रेग्नेंट करवाने के बाद आप ये जड़ी बूटी फिर देख लीजिए। इसका नाम है बाउली घास। बजी, इस घास के बारे में ही आपने शायद पिछली वीडियो में बताया था जिसमें, हाँ, इस घास की तासीर ये है, ये घास ठंडी तासीर की होती है, तो ठंडी तासीर की होने के कारण इसके पशुओं में काफी बेनिफिट होते हैं। बार बार रिपीट होने वाली जो समस्या है उसमें तो ये 1001% काम करती है। आइए देखते हैं कोई जंगल में कोई और जड़ी बूटी मिलती है क्या हमें। किसान भाइयों, बैज जी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में विक्की पंसारी के नाम से बहुत ही फेमस हैं। पिछले 15 सालों से पशुओं का घरेलू इलाज कर रहे हैं। इनके पास पूरे हरियाणा के किसान अपने पशुओं की बीमारी का देसी इलाज जानने के लिए आते हैं। बैज जी विक्की पंसारी के पास पशुओं के लगभग सभी बीमारियों का देसी घरेलू इलाज है जो किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर आपके पशु को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप भी बैज जी विक्की पंसारी से फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं। बैज जी का नंबर ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, अब हम वापस जा रहे हैं पहाड़ से होते हुए और हमें यहाँ पे अब कुछ जड़ी बूटियाँ मिली हैं, बैज जी ने इकट्ठी की हैं। बैज जी हमारे साथ हैं और इन जड़ी बूटियों का अब बैज जी रिसर्च करके आप लोगों के पशुओं के लिए दवाई बनाएंगे। बहुत कड़ी मेहनत करते हैं बैज जी, और पहले ज़माने में ऋषि मुनि पहाड़ों में भटक के जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते थे और आज उस परंपरा को कायम रखे हुए हैं बैज जी। वास्तव में बहुत मेहनत का काम है। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब